हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिजीत है और मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं रांची से धनबाद गोमू ट्रैवल करूँगा बाय रोड, और रास्ते में क्या क्या होते हैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगा। इट्स अ ट्रैवल वीडियो, सो एंजॉय द वीडियो एंड सपोर्ट करो यार। तो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ, बस 5 मिनट में निकलूँगा यहाँ से। अपने बाइक से नहीं, आज KTM से नहीं, इंश्योरेंस फेलियर के कारण और पेपर बहुत लेट से आ रहा है, तो इससे मैं नहीं जा रहा हूँ आज। नेक्स्ट वीडियो में पक्का बाइक से ट्रैवल करूँगा। माय ब्यूटीफुल डे सी एस, आज इसी से ट्रैवल करूँगा। तो फाइनली गाइस, मैं निकलने वाला हूँ। मैं एक्चुअली एक्शन कैमरा भूल गया था, और 5th फ्लोर ऊपर मेरा फ्लैट है, तो उसको लाने के लिए वापस चढ़ना पड़ा, और लिफ्ट अभी खराब है, इसलिए मैं यहाँ पर आऊँ। कोई नहीं, अरे काम ऐसे। तो ट्रिप शुरू करते हैं। कुछ बता देता हूँ, धनबाद गोमो, एक्चुअली गोमो जा रहा हूँ जो धनबाद में पड़ता है, वहाँ मेरा अपना घर है, तो जा रहा हूँ एक्चुअली अपने फैमिली से मिलने, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये ट्रिप शुरू करते हैं, प्रेयर करिएगा मेरे लिए कि मैं सुरक्षित पहुँचूँ, सेफली पहुँच लूँ, और एंजॉय दिस वीडियो। बाय। एक्चुअली मैं रास्ते पे एक रिलेटिव के अपने मौसी के घर आया हूँ, वो कुछ सामान यहाँ से पिक करना, मेरी मॉम ने बोला लेके आना वरना तुम्हारी खैर नहीं था। जय श्री दादी। जय जय श्री। कैसे कि मैं सुरक्षित पहुंचूं, सेफली पहुंच लूं, और एंजॉय दिस वीडियो। बाय।
एक्चुअली मैं रास्ते पे एक रिलेटिव के अपने मौसी के घर आया हूँ। वो कुछ सामान यहाँ से पिक करना है। मेरी मॉम ने बोला लेके आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं था। जैसे दादी जाए जैसे कैसे कट गया हम पहुंच हां हां घूमो जा रहे हैं घूमो जा हां ये भी जा तो जेब भी नहीं आते मैं ऊपर जा उसी घर पहुंच गया हूं। तो मैं फिर से निकल पड़ा हूँ अपने रास्ते पे और मैंने सामान पिकअप कर लिया, रिसीव कर लिया। तो मैं भी सामान लेके आ रहा हूँ। मेरे पे मैड मच होने 10 खेले हैं, जीते हैं वो 6, हारे हैं वो 3 और एक मैच इनका रद्द हो गया था। बाद पड़ता है ईस्ट वेस्ट बंगाल की तरफ और उससे 40 किलोमीटर अप्रॉक्स पहले, मतलब रांची से जाने टाइम पहले पड़ता है गोमो। तो वहाँ पे है मेरा घर। वो छोटा सा एरिया है और बहुत ही सुंदर है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब साथ में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बहुत अच्छा जगह है एंड वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। वहाँ पे इफ़ यू रिमेम्बर, क्या आपने पारसनाथ का नाम सुना है? अगर आपने सुना है तो वो उधर ही पड़ता है, वो गिरिडीह तरफ के एरिया, गिरिडीह और धनबाद के बीच में पड़ता है। उस जगह को तुपचाची या डुमरी कह सकते हैं आप। ये पारसनाथ इज अ माउंटेन, इट्स अ पहाड़ और वो झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है। जनरल नॉलेज में थोड़ा बहुत है मेरे पास ना, तो उधर ही है। तो वहाँ पे एक डैम भी पड़ता है, झील डैम जो भी बोलिए, तो चाची डैम, इट्स अ मैनमेड डैम। तो चलो भाई चलो। वन मंथ से ज़्यादा हो गया, उसके बाद मैं धनबाद जा रहा हूँ। कुछ दिन रहूँगा वहाँ अपने फैमिली के साथ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और आई हैव वन पेट ऑल्सो, उसका नाम जिमी है। वो पोमेरियन डॉग है और वो मेरे को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो वो मोमेंट आप लोग देख के साथ रह जाएंगे। आई डोंट नो एम आई ऑडियबल, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं नहीं, बट इफ माई वॉइस नॉट कम यूज हेडफोन्स ईयरफोन्स या प्लग्स वट एवर यू। कांटा टोली पहुँच रहा हूँ अभी। मेरा कजन ब्रदर अभी मेरे बगल से पार हुआ, मुझे देखा ही नहीं, कोई नहीं। कांटा टोली रांची में रहने वाले लोग जानते होंगे, मोस्टली कांटा टोली चौक कितना रश और ट्रैफिक भरा रहता है। और वहीं मैं पहुंचने वाला हूँ। क्या करूँ यार, आग का दरिया है, डूब के जाना है। फॉर रांची पीपल दिस डायलॉग सूट्स फॉर कांटा टोली। कांटा टोली में फंसा हुआ हूँ।
हजारी बाग बोकारो 15 किलोमीटर, तो धनबाद आप मान लीजिए 160 किलोमीटर यहाँ से, और गोमो बीच पे पड़ता है तो 148 किलोमीटर अप्रॉक्स आई एम शायद, हाँ 148 किलोमीटर के बाद गोमो आ जाएगी। अपोलो हॉस्पिटल हो रहे हैं, पीछे मेरे सादी गाड़ी आ रही है, पास करता। मैं हाईवे पहुंच चुका हूं और मैंने अप्रॉक्स 20 या 25 किलोमीटर कवर कर चुका हूं रांची से बाहर। मैंने रास्ते में बीच में कांटाडोली होते हुए खेलगांव पार किया, खेलगांव के बाद बीआईडी मेसरा पार किया, उससे पहले बोटी मोड़ भी था, बीआईटी मिश्रा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब और मांझी पहुंचने वाला हूँ। वो दूर अब जंगल देख रहे हैं वो, और मांझी के हाईवे बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्मूथ एंड ऊपर से सियाज द स्मूथेस्ट सेडान आई एवर राइड। तो और मांझी बस ये टर्न के बाद मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं रांची का सबसे बड़ा जू, पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जू आई थिंक, अंदर शेर, बाघ, स्नेक्स, फिश, बुल्स एंड एलिफेंट्स, नीलगाय एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तरह तरह के एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स जिनको लोग जाते हैं देखने के लिए रांची के लिए, और बहुत सारे लेसन मिलते हैं वहाँ पे, नॉलेज मिलती है अबाउट वाइल्ड लाइफ, सो इट्स गुड। और हाईवे से मैं अब राइट लूँगा थोड़ा सा आगे जाकर धनबाद के लिए, वहाँ से मैं गोला पहुँचूँगा, गोला से पिटरपार, पिटरपार से जैना मोड़ जो बोकारो में है, फिर जैना मोड़ से मैं लेफ्ट लूँगा और पुसरो की ओर, वहाँ पुसरो आगे पड़ेगी, पुसरो के बाद आगे नवाडी पड़ती है, तो नवाडी से मैं राइट कटूंगा और वो विलेज एरिया है, तो विलेज होते हुए मैं एक्चुअली वो शॉर्टकट है, और विलेज होते हुए मैं अपने घर को गोमो को पहुंचूंगा, तो 2 to 3 hours लग ही जाएंगे। एंड ये आया डाइवर्जन, यहाँ से मैं राइट लूँगा गोला की ओर, कोई ट्रैफिक नहीं हाईवे पर भी, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कैसे यार कैसे होगा ऐसे, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड। पता नहीं मेरे डॉगी मेरे को देख के कैसा रिएक्ट करेगा, कहीं एक्साइटमेंट में मुझे स्क्रैचेस ना कर दे वो, लेट्स सी। आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू मीट माय फ्रेंड्स, माई फैमिली, पता नहीं यार मेरे बैचमेट्स गोमो में हैं या नहीं या सब स्टडी के लिए बाहर है अभी तक, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट, चलता हूँ। ये है हमारा सुंदर झारखंड, छोटा नागपुर, रांची मेरी जान। Like I feel you, do you want it? Oh man, ये स्विफ्ट डिजायर्स, डोंट नो व्हाट दे थिंक दिस सर, अजीब तरह से अपना गाड़ी चलाते हैं। आई नो छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है उस कार में, बट ड्राइव सेफ मैन, आपके कारण दूसरों को भी प्रॉब्लम होता है, कुछ मासूम लोग उनके चपेट में आ जाते हैं अगर कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, होप ऐसा ना हो कभी किसी के साथ भी। एवरीवन शुड ड्राइव सेफ, मेंटेन द स्पीड लिमिट्स, जो किसी की जान बचा सकती है। मैं किस्सा बताता हूँ अपना, मैं रांची से जोना के लिए जा रहा था, और रास्ते पे जोना पहुँचने से पहले एक अजीब सा
मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो दौड़ कर साइड से आया और मेरे पास टाइम ही नहीं था. आई एम एट दैट टाइम 120 प्लस माई स्पीड, जस्ट इमेजिन ऑन दैट रोड. और 120 के स्पीड पे जब आप रहते हैं और अचानक 10 मीटर के अंदर में कोई जानवर जंप कर जाए रास्ता पे, तो आप क्या करिएगा. और आगे से स्कूल वैन आ रही थी, तो सोच लीजिए मैं किस कंडीशन में था. मेरे फ्रेंड्स बगल में बैठे रहे थे, लकीली मैं सीट बेल्ट लगाया हुआ था, बट मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो को पायलट सीट पर बैठे हुए थे, वो उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था. मैंने उस कुछ सेकंड में सारे माहौल, कार के माहौल को देखा, कौन क्या कर रहे हैं, कौन सीट बेल्ट पहने कौन नहीं, तो मैंने ब्रेक मारने का डिसीज़न छोड़ दिया. क्योंकि अगर मैंने ब्रेक अप्लाई करता तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती और या तो मैं स्कूल वैन को हिट करता या तो इधर उधर आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोड ऑफ रोड हो जाता और कार पलट सकती थी और बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता था. तो सोचिए ज़रा उस डिसीज़न में मैंने क्या किया. मैंने ब्रेक नहीं मारा और आई थिंक अपने फ्रेंड्स की लाइफ को सेव करने के लिए मैंने उस एनिमल को हिट किया, जो कि एक तरह से बहुत बुरा है. बट समटाइम यू हैव टू टेक हार्ड डिसीज़न एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ड डिसीज़न ऑफ माई लाइफ वाज दैट. मैंने उस एनिमल को हिट किया 120 के स्पीड पे. हिट करते हुए मैंने धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी को कंट्रोल में लेते हुए स्टॉप किया. अब अफसोस वो जानवर नहीं बचा, बट हमारे लाइफ्स बच गए. कार डैमेज हुआ, आगे का बहुत कुछ डैमेज हो गया था, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. हमारा लाइफ बच गया, उन स्कूल वैन्स का, जो स्कूल वैन आ रही थी आगे से, उनका लाइफ बच गया. तो आफ्टर ऑल यह पॉइंट आता है, गलती किसकी है, या मैं 120 प्लस चल रहा हूँ वो, या उस जानवर की. गलती हम दोनों की होगी, क्योंकि उस रोड पर अप्रॉक्स 80 90 या 100 बहुत है, 120 ज़्यादा हो गया. तो मैं मानता हूँ मेरी गलती है. तो आई लर्न लेसन फ्रॉम दैट, उससे बहुत अच्छा लेसन मिला. उसके बाद अगर हाईवे नहीं रहता है, सिंगल वे रोड रहता है जैसे आप देख रहे हैं अभी आगे, तो मैं धीरे ही चलता हूँ 80 90 100 की स्पीड. तो जान जा सकती थी मेरे यार, बच गया मैं, बहुत कुछ सीखा उससे. हाँ, आगे अभी रास्ता और बहुत लंबा है. होप आप एंजॉय कर रहे हैं वीडियो. जो लोग अभी वीडियो ज्वाइन किए हैं उनको मैं बताना चाहूँ, मेरा नाम फिर से बताता हूँ, मेरा नाम अभिजीत है. मैं रांची से धनबाद जा रहा हूँ और मैं रास्ता में हूँ और मैंने अभी 40 किलोमीटर्स अप्रॉक्स कवर कर चुका हूँ. खेलगांव, बीआईटी मिश्रा, ओरमांझी होते हुए गोला के रास्ते में हूँ और बस यहाँ से और 2 आवर्स जानी है. सो स्टे ट्यून्ड.